तो क्या है ज़रूरी काम आपके KVS के एग्ज़ाम के लिए? सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि अगर आपका एग्ज़ाम अभी तुरंत हो जाए तो आप कैसे अपनी तैयारी को बूस्ट करेंगे और क्या करने वाले हैं ऐसा कि आप अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकें। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बातों पर हम कुछ इस तरह से बात करेंगे कि आप अपने एग्ज़ाम के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उसे कैसे अच्छा करना है, बेस्ट करना है, ये सभी हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो आप सभी लोग बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुनते रहिएगा, बस ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, थोड़ी बातें बताऊँगा, ऑथेंटिक बातें बताऊँगा और आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी बातें होंगी सिर्फ वही बातें होंगी, आप बिल्कुल परेशान ना हो। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि अगर आपका एग्ज़ाम 15 फरवरी तक होगा तो आप सभी लोग इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? भाई जितना टाइम अदर बच्चों को मिल रहा है उतना ही टाइम आपको भी मिलेगा। अगर टाइम कम है इसका मतलब ये है कि जितनी तैयारी आपने करी है हो सकता है उससे कम अगले ने करी हो और हो सकता है उससे ज़्यादा वो पहले से करके बैठा हो। तो इन सब बातों को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ इस बात पे ध्यान दीजिए कि आपको अपने एग्ज़ाम के लिए कैसे काम करना है, कैसे अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाना है, कैसे स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, क्या करना है क्या नहीं करना है, इन सब बातों पर बहुत सारा ध्यान रखना है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है अपने सेलफोन को बहुत ही दूर रख दीजिए जिससे क्या हो कि आपका डिस्ट्रैक्शन 0% हो जाए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है ये। और सबसे उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये है कि सिर्फ और सिर्फ 10 दिन और पढ़ लीजिए। अगर 15 फरवरी तक आपका एग्ज़ाम होने के चांसेस बन रहे हैं तो आप 30 तारीख के बाद में कुछ भी एक्स्ट्रा नया मत पढ़िएगा, सिर्फ और सिर्फ वही चीज़ें पढ़िएगा जो आपके एग्ज़ाम से बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपका एग्ज़ाम 15 फरवरी को हो जाएगा जो कि ऑनलाइन होने वाला है, अगर हो जाए तो आपको 30 तारीख से पहले पहले अपना पूरा कंटेंट ख़त्म करना पड़ेगा। 30 जनवरी की बात कर रहा हूँ मैं। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको फ्रंट फुट पे आकर के खेलना होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है ये कि अगर आप डर रहे हैं कि अरे यार कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा, तो आपसे बिल्कुल नहीं हो सकता, ये बात आप मान लीजिए। तो आपको बेहतरीन तरीके से फ्रंट फुट पे आकर के 6 मारिए, कोई दिक्कत नहीं है, 4 मार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बेहतरीन खेलिए। टेंशन लेके पढ़ेंगे, जो पढ़ेंगे वो भी भूल जाएंगे और जो नहीं पढ़ा है उसको तो याद ही कुछ नहीं आएगा। तो फिर सबसे इम्पॉर्टेंट बातों के रूप में सिर्फ और सिर्फ आप इतना सोचिए कि आपका एग्ज़ाम 15 फरवरी को है, ऐसा मान के आपको तैयारी करनी है। ठीक है, थोड़ा सा अपना प्रमोशन कर देता हूँ। बेसिक से जब हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स का आधे से ज़्यादा लगभग कंटेंट ख़त्म हो चुका है और आई होप सब कुछ ठीक रहा तो 30 जनवरी तक मैं आपका 80 से 90% सिलेबस ख़त्म कर दूंगा। 80 से 90% सिलेबस बहुत होता है सर, ठीक है। और ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम आपको अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा रहे, ठीक है, क्लासेस रेगुलर जा रही हैं, बिल्कुल परेशान ना हो। अगर आप चाहते हैं हमारे साथ जुड़ना तो नंबर चल रहा है, आपसे बात कर सकते हैं। और आगे की बात बताता हूँ, अगर आप कहीं से भी कुछ भी पढ़ रहे हैं पढ़ते रहिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मत पढ़िए, पढ़ते रहिए कॉन्टिन्यूसली, पढ़ते रहिए कॉन्टिन्यूसली। और सबसे इम्पॉर्टेंट बातों के रूप में एक बात याद रखिए, अगर एग्ज़ाम 15 फेब को होने वाला है तो 15 फेब को लास्ट डेट मांग करके आप अपनी तैयारी को कीजिए क्योंकि आपको टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। बहुत सारे एग्ज़ाम एक सीक्वेंस से लगे हुए हैं, LT ग्रेड, TGT, PGT और भी अभी STAT आने वाला है, और LT ग्रेड तो आने ही वाला है, बहुत दिनों से आने वाला है, लग रहा है कि जल्दी आ जाएगा। तो इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए आपको एक बेहतरीन स्ट्रेटजी बना के रखनी है। तो आप सभी लोग अपना ख्याल रखें, प्रैक्टिस करते रहें, लगातार रिविज़न करते रहें, जो पढ़ें उसको रिवाइज करते रहें, बाद के लिए मत छोड़ें। इससे ये होगा कि आप अपनी तैयारी को बेहतरीन लुक दे पाएंगे, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है, ये जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है। तो आप लोग अपना ख्याल रखें, प्रैक्टिस करते रहें, है ना, मैक्सिमम टाइम का यूटिलाइजेशन करें। मैं तो सिर्फ और सिर्फ इतना कहूँगा कि आप कम से कम 10 से 12 घंटे अभी पढ़ें और एग्ज़ाम के टाइम पर जब आपका एग्ज़ाम आने वाला हो उस टाइम पर आप इन टाइम्स को थोड़ा सा कम कर दें। इससे ये होगा कि आपके दिमाग में जो एक्स्ट्रा बर्डन होगा वो बैलेंस हो जाएगा और ये बैलेंस आपके एग्ज़ाम हॉल में आपके साथ में बेहतरीन रिजल्ट देगा, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, थैंक यू।